उनकी पत्नी का नाम आमनी देवी था। अब आमनी देवी ने सोचा कि सेठ जी तो 5-6 महीने का टूर प्रोग्राम बना के गए थे, क्यों 68 तीर्थ में धक्के खाना पैदल जाना को एक पदे 10 दिन में तो को नहीं, और ये आगे तुरंत ही क्या बात होगी। तो उसने अपने आप को झंझोड़ा, देखा, टटोड़ा, उसने अपना आप आइडिया लगाया कि ऐसा लगता है कि भगत जी का किसी ने पैसा चुरा लिया और ये अपना कार्य पूरा नहीं कर सके, और रो इसलिए रहा है कि अब मैं पैसे मांगूंगा और या नाक चढ़ावेगी, क्योंकि आमनी देवी थोड़ी सी बार बार मैं उनको टोक देती थी। धर्मदास जी खुले हाथ से दान किया करते थे, भंडारे जब करते थे तो खुले हाथ से दान करते थे संतों को, भक्तों को, और वो टोक दिया करती कि दान भी हिसाब का होना चाहिए, ऐसे पैसा ना बर्बाद करो, बच्चे भी तो हैं अपने, इस तरह वह कह दिया करती थी। तो आमनी देवी ने सोचा कि बहुत बुरी तरह रो रहा है, इसकी तुम पाप की बागन बनेगी। अब ये इसलिए रो रहा है कि मैं पैसे मांगूंगा और इसने नाक चढ़ाना इसे, अब दोबारा मैं जा नहीं सकता यह पैसा, और ऐसे जो खेचा तानी से दान भी ले भी गया मैं तो लाभ नहीं। तो आमनी देवी ने कहा कि सेठ जी, मुझे लगता है आपका पैसा चोरी हो गया, धन चोरी हो गया, अब चिंता ना करो, आपका तो भगवान ने बहुत धन दे रखा है, कोई पैसे की कमी नहीं, आप और ले जाओ धन, और मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी। अब वह भी रोने लगी बैठ के, दो रही सा बुरी तरह तड़पता देख कर। तब धर्मदास जी काफ़ी देर फिर भी रोते रहे कि यह गलत समझगी मने, जब आँख थोड़ी सी रो रहा का आत्मा कुछ ठीक हुई, जुबान निकलने लगी, तब रोते हुए कहता कि आमनी देवी, यदि मेरा ये भौतिक धन खो गया होता तो मैं और ले जाता तेरे से प्रार्थना करके, लेकिन आज मेरे से वो धन खो गया, वो धन लुट गया मेरा कि मुझे फिर मिले नहीं, और मैं जीऊँ नहीं, उसके मिले बिना मैं जी नहीं सकता। आमनी देवी कहने लगी ऐसा कौन सा धन था। फिर धर्मदास जी ने वो सारी सृष्टि रचना जो परमात्मा ने सुनाई थी और गीता और पुराणों के जो प्रमाण बताए थे वो सारे सुना दिए, उसका तो याद थे। अब आमनी देवी भी इतनी समझदार थी, वह कहने लगी सेठ जी, आप तो लाला जी होकर सौदागर होकर सौदा चूक गए, ब्रह्मा विष्णु महेश से अपनी कौन सी रिश्तेदारी थी, हमने उनके बारे में किसी से ज्ञान सुना तो इन पर आश्रित हो गया, हम इनको सुप्रीम पावर मान रहे थे, राज प्रत्यक्ष प्रमाण थे और भगवान आ रहे थे, आप तो व्यापारी होकर आज घाटे का सौदा कर लिया। धर्मदास कहने लगे अपनी जिंदगी में पहली बार मैं सौदा चुका हूँ और इसीलिए मैं अपने भाग्य को कोस रहा हूँ, रो रहा हूँ, अब वो संत मुझे मिला नहीं, मैं जीऊँ नहीं, और भक्ति कर ही नहीं सकता मैं, और करूँ के तो डड़े डोने सारे दूने पाप कमा रहे, शास्त्र विधि को त्याग का मनमानी पूजा हम कर रहे हैं जो भगवान के दोषी हो रहे। अब आमनी देवी ने काफ़ी कुछ समझाया लेकिन उसका कोई असर नहीं। अब वो सुबह बैठ जाते हैं जैसे भीलनी ने भगवान की तलाश इंतज़ार किया था, ऐसे देखा करती थी, ऐसे ही धर्मदास जी अपने बाहर मकान के बाहर चबूतरे पर आकर बैठ जाता गली में और यूँ देखता रहता, कोई भी दूर से संत भगत दिखाई देता नंगे पैरों चल पड़ता और वहाँ जाकर देखता कि नहीं वो तो नहीं है, कहीं भी कोई जंगल में आसपास आकर पता लगता कि वहाँ कोई संत आए हैं वहाँ भी पहुँच जाता और वहाँ जाके उस संत के हो सकता है भी रूप बदल रखा हो तो उससे ज्ञान चर्चा करता,
उनसे पूछता कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति है, तो वो संत कहता नहीं, विष्णु जी और ही सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। लाला उप सेठ जी उठ कर चल पड़ता कि ना, ये तो कच्चा बोल है, ये तो वो संत को नहीं। तो ऐसे ही वो परीक्षा करता रहा, कोई संत की पता चले वहीं पहुंच जाइए प्रश्न कर दे, वो तो फिर वहीं बोल है उठ कर चल पड़े ना, कोई नहीं बड़ी बात है। अब 6 महीने हो गए रोते रोते, सूख गया कति, रोटी खाई जाना, मनुष्य जीवन का पता लग जाता है पुण्यात्मा को कि ये भक्ति के बिना व्यर्थ है। और भक्ति जो शास्त्र विधि को त्याग कर, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, ना कोई कार्य सिद्धि होती है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है, ना कोई सुख होता है, यूजलेस। फिर उसका करने का फायदा क्या? अब कहते करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। अब परमात्मा ने आमनी देवी में प्रेरणा कर दी उसकी धर्म पत्नी को, के अंदर एक विचार आया। उसने पूछा कि हे सेठ जी, जब वो संत महात्मा जी आपसे मिले थे तो उन्होंने कुछ बताया होगा कि मैं कहाँ आता हूँ, कहाँ रहता हूँ? तो धर्मदास जी ने कहा, आमनी देवी, वो तो यूँ कहे थे, भाई जहाँ धर्म भंडारे होते हैं ना, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ। पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में यह स्पष्ट प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा रूप अपना रूप को हल्का करके, हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर भक्तों, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने निज स्थान से चल कर आते हैं, और वो उन धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत शीघ्र पहुंच जाते हैं। और वही परमात्मा ने बताया कि ये मेरा विधान है। तो आमनी देवी ने कहा कि आप कोई भंडारा ही कर लो, मालिक आ जाते हैं, नहीं तो आपका ये जीवन मुझे देखा नहीं जाता। इस धन का मैं क्या करूँगी, जब आप मर गए तो मैं क्या आग लगाऊंगी इस धन के, आपकी मृत्यु होगी तो आप तो बहुत बुरा हाल कर रखे है, ना खाते हो ना पीते हो। फिर धर्मदास जी को होगी प्रेरणा और 3 दिन का भंडारा शुरू कर दिया, धर्म भंडारा। सब जगह चिट्ठी भिजवा दी, दूर दूर से संत आए, भगत आए, भोजन शुरू हो गया। अब खाना खाने वाले खिला रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, सेवा नौकर वहाँ सेवा कर रहे हैं, और धर्मदास जी एक एक ने देख रहे हैं, आए नहीं वो महाराज जी। अब 1 दिन गया, 2 दिन चले गए, परमात्मा नहीं आए, और सारी रात रोए, हे परमात्मा, कल मेरा अंतिम दिन होगा, यदि आप मने दर्शन नहीं दिए, आपका दास इस संसार में नहीं रहेगा, अब मेरे से जिया नहीं जावे, ये जीवन नहीं मेरा, भक्ति मुझे मिली नहीं, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो रहा है, पशु जैसा जीवन ये दास जी नहीं सकता। 3रे दिन भी दोपहर होगी, थोड़े से भक्त शेष थे जो निपटाने थे, भोजन कर रहे थे। अब धर्मदास जी ने हृदय में सोच ली, एक बार ये भगत चले जा सारे भोजन खा कर, और मैं आत्महत्या करूँगा, अब मैं जीऊँगा नहीं। हृदय में तो जच ली, परमात्मा तो अंतर्यामी है, जानगे का आज भगत बात बिगाड़ेगा। उसी समय एक कदम वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए, कदम के पेड़ के नीचे, जो थोड़ी सी दूरी पर, 100 फुट की दूरी पर था, जहाँ भंडारा चल रहा था। अब धर्मदास जी अभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, एकदम अचानक नज़र पड़ी कि वो बैठा है एक महात्मा, उसी जिंदे वाले वेशभूषा में। अब धर्मदास जी तो नंगे पैर भाग गया कति, और देखा नो एकदम नो कौड़ी भरनी के भगवान ही बना छोड़ू, ई बना जाइयो यहाँ से। परमात्मा बोले, भाई बैठ जा ढंग ते, महाराज जी फिर ई बना छोड़ियो मुझे। फिर चरण पकड़ दिए, मत्था टेक कर पैर पकड़ दिए मजबूती ते।
वही जंदे का बदन शरीरम बैठे कदम वृक्ष के तीरम। अब धर्मदास जी से कहा परमात्मा ने कि कोई बात ना बेटा, अब नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि पहले तू ठीक नहीं हुआ था, तेरा लोहा गर्म नहीं हुआ था, अब मैं तेरे लिए आया हूं और फिर आराम से बात करांगे, इन सबको फारिग कर दे, इनको नहीं बताना मेरे विषय में। क्यों? परमात्मा को पता था कि ये तो बहुत कुछ समझ चुका है, कोई नए सिरे तो पास बैठ गया, इसने और बिदका देगा, तो झूठ बोल रहा होता है, रोला मचा दे मेरे माने और इकट्ठे कर ले, कोई नया भक्त होता, इसलिए कहा कि इनको तो फारिग कर जल्दी ही। उन्होंने फारिग कर दिया, तुरंत आगे भीतर लेकर महाराज जी को घर लेकर आ गए परमात्मा को। आमनी देवी से कहा कि आमनी आजा, मेरा खोया हुआ धन मिल गया मुझे, आजा मेरा यु धन आ गया। आमनी देवी ने भी पैर पकड़ दिया, एक पैर धर्मदास एक उसकी पति पकड़े बैठी है। आमनी देवी ने कहा महाराज जी आपका बच्चा बहुत नर्म आत्मा का है, अरे ये तो मैं इसको सहारा देती रही, ये तो मर जाता भगवान, इतनी कड़ी परीक्षा आपने नहीं लेनी चाहिए थी, आपने 6 महीने हो गए आपको याद करके रो रहा है ये। परमात्मा ने कहा बेटी ये इसको मैंने तंग नहीं कराया, इसका लोहा गर्म कराया है, पहले ये लोहा आकड़ था, ठंडा था और चोट मारूं था, यो टेढ़ा मेढ़ा हो था, अब इसका लोहा गर्म कराया, इसकी फड़क काटी है मैंने बेटी, यू पहले मेरी बात ने सुना था और फिर काना पर घटाल जा था एक आधी बार, अरे यू अमृत ज्ञान बेटा सारी डोज अंदर जानी चाहिए जब समझ में आओगी, अब ये मैंने सेट कर दिया, अब जो मैं कहूँगा सारी सच्ची मानेगा और सच्ची सच्ची मैं बताने आया हूँ, अब इसमें वो बकवाद ना रही, इसके अंदर से गंध निकाल दिया, 6 महीने की तड़फ देखे वैसा ही हुआ, दोनों ने नाम ले लिया। फिर परमात्मा को ने एक दिन फिर प्रसन्न कर दिया, प्रभु आप उचित समझे अपने दास को, क्यों मालिक ने करना था वो खेल, गवाह बनाने थे कि एक बार वो सतलोक आप जी का निज स्थान ये दास देख ले, आप मैं फिर ढोल के डंके पर सबको बता दूंगा। परमात्मा ने सोचा कोई बात ना, मैं भी यही चाहता हूँ। तो परमात्मा उनकी आत्मा को निकाल कर सतलोक ले गए और वो अचेत हो गए, परमेश्वर भी वहां से अंतर ध्यान हुए। अब आमनी देवी आई कोई काम करके, बाहर देखा भगत जी अचेत पड़े हैं, महाराज जी चले गए। आमनी देवी ने सोचा ये महात्मा जी के जाने के वियोग में बेहोश हो गया, रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए, आसपास गांव के मौजूद व्यक्ति आ गए, 3 दिन हो गए ऐसे ही अचेत पड़ा है। वो तो वहाँ शरीर था, परमात्मा उनकी आत्मा को निकाल कर ऊपर सारे ब्रह्मांड दिखाकर वापस छोड़ दिया। और वापस आते ही उसने देखा, ओहो मैं कहाँ आ गया, तब सारा हाल बताया उसने कि परमात्मा है ये मुझे सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने बताया है कि मैं बनारस में काशी में धानक का काम करता हूँ, अब मैं उस परमात्मा को खोजूंगा बनारस में जाके, पैदल चल दिया वहाँ से और पहुँच गया परमेश्वर के, वहाँ दर्शन किए, फिर बाकी जो वहाँ नाम प्राप्त किया जो सतनाम था, इस प्रकार सुपुण्य आत्मा का उद्धार हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से, कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यह सत्संग प्राप्त हुआ। परमात्मा हमें बार बार बताते हैं कि मात पिता मिल जाएंगे, लख 84 में, और सतगुरु सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना।